हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था हेवी डैम्पिंग के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग, दैट इज द केस टू। व्हाट इज आवर केस टू? केस वन वाज हेवी डैम्पिंग, केस टू इज क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग में ये जो टर्म था बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू द पावर हाफ, इट इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट इज your b is equal to omega naught. In simple words, it means the quantity which is representing the damping is equal to the quantity which is representing the restoring force. ठीक है, जो जब b is equal to omega naught है तो जो हमारा जो solution है कुछ इस type का जो दिख रहा था, x as a function of time जो हम पहले लिखे थे, इसको और बढ़ा के अगर लिखे then a e to the power, अगर ये चीज़ ज़ीरो है, इसी चीज़ को हम लोग बीटा मानते हैं, ये बीटा ज़ीरो है। ठीक है, चलो आप उसको अच्छे से देख लो, आप स्टेप बाय स्टेप ही देख लो। प्लस बीटा इंटू टी, इसको बीटा मानते हैं हम लोग, प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस बी माइनस बीटा ए होल टी। अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो आपके पास बचेगा क्या? खाली ई टू पावर माइनस बी टी दोनों साइड में बचेगा। ठीक है, सब करके देख लेना। अगर ई टू पावर फाइव माइनस बी टी बचेगा आपके पास, क्योंकि ये बी, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना, जिस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस बी टी प्लस ई टू द पावर बीटा टी। ठीक है, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाई ए वन है ना, ये चीज़ वन हो गया। देन आपके पास बचा क्या? खाली अंदर ये बचा। वैसे ही यहाँ पे भी ए टू ई टू द पावर, यहाँ पे बचेगा आपका ए टू ई टू द पावर माइनस बी टी। ठीक है, सेम। इसलिए जब यहाँ से क्या करोगे आप, ई टू द पावर माइनस बी टी कॉमन ले लोगे, देन यू विल हैव ए वन प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस बी टी। लेट ए वन प्लस ए टू इज ए, तो देयरफॉर आपका जो सॉल्यूशन आया इट लुक्स लाइक ए ई टू द पावर माइनस बी टी। तो दिस इज योर what we see the solution for the critical damping of the free damped oscillator jab b is equal to omega naught. yahan pe humne kiya kya, bas iska value beta ka value ye jo tha is cheez ko hum log kya bana diya hai, zero bana diya hai. to isko yahan pe zero bana diya hai, then yahan pe kya hum log ne dekha, isko jab alag alag kiya hum log ne, then ye e to the power minus bt plus e to the power beta t tha. theek hai, jab beta t wo zero ho gaya then it is yahan pe क्या आएगा, वन आएगा प्लस वन, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस वन एंड माइनस वन को कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा आपके पास खाली ये माइनस बीटा टी माइनस बीटा टी। तो करके देखना आप लोग, काफ़ी आसान है। यहाँ पे बस ई टू द पावर बीटा टी वन हो जाएगा, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस बीटा टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ई टू द पावर बीटा टी यहाँ भी वन नहीं होगा, बस वो अंतर है कि यहाँ पे प्लस वन होगा, यहाँ पे ये माइनस वन होगा, बस अंतर वही पड़ेगा आपका। ठीक है, फिर वहाँ पे वो आपको कट जाएगा, वन वन आपके पास ही आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना, काफ़ी आसान है। जैसे मैंने बताया था तो मैं सॉल्व ही कर देता। चलो कोई नहीं, तो लेट मी एडजस्ट फर्स्ट माई माइक ताकि आपके पास आवाज़ पहुँचे। चलिए, तो दिस इज़ योर एक्स टी। अब देखो, इसको समझेंगे हम लोग, सिर्फ अंधाधुन फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं हम लोग। ये जो सॉल्यूशन देख रहे हैं किसका सॉल्यूशन है? एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, फ्री का थोड़ी है। डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डबल डॉट प्लस टू बी एक्स डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है। तो जो आपका जो क्या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्यूशन उसका देखेंगे तो इसमें टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उसको हम लोगों ने दो बार डिफरेंशिएट किया है, लेकिन हियर वी हैव ओनली वन ए। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, दिस इज वन ऑफ द पार्शियल सॉल्यूशन। ये भी देख लेते हैं क्या हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा हो पार्शियल सॉल्यूशन है, क्या ऐसा हो सकता है कि यस इट सेटिस्फाइज, क्या सेटिस्फाई करेगा उसको, ये जो हमारा केस है क्या इसको सेटिस्फाई कर देगा ये? तो उसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इनिशियल कंडीशन पर ही देख लेते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, इतना उस पर रखने से अच्छा इनिशियल कंडीशन पर ही रख के देख लो। तो अब इनिशियल कंडीशन इज एट टाइम टी इक्वल टू जीरो योर एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स डॉट इज इक्वल टू वी नॉट।
एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये हमारा इनिशियल कंडीशन है. तो एट टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे आपका ए का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये जीरो कर दिया आपने, ये वन हो गया आपका, तो ए का वैल्यू जीरो आ गया. एंड एक्स डॉट ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए बी ई टू द पावर माइनस बी टी. और ये एक्स डॉट का वैल्यू कितना है, दिस इज वी नॉट. नाउ वी हैव टू एज्यूम इट एट टाइम इक्वल टू जीरो. तो फिर ये टाइम इक्वल टू जीरो इट गोज टू वन, ठीक है. और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है. आप बी को उधर भेज दो, वी नॉट को इधर ले आओ. जब बी को उधर भेजोगे, वी नॉट को इधर लाओगे, या फिर उतना छोड़ो, उतना करने की जरूरत क्या है. यहाँ से आपको पता चलेगा कि वी नॉट का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, बिकॉज ए इज जीरो. तो पावर टर्म को जीरो कर दिया, उतना सोचो ही मत. जब वी नॉट का वैल्यू जीरो आ गया, इट मीन्स क्या, अवर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है. लेकिन क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, नहीं. वी हैव गिवन अ किक, वी हैव गिवन इंपल्स. तो दिस सॉल्यूशन अलोन डू नॉट सेटिस्फाई आवर इनिशियल कंडीशन. इसलिए ये सॉल्यूशन हमारा सही नहीं है. सही मतलब है, लेकिन कंप्लीट नहीं है. तो हमें एक और ट्रायल लेना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन के लिए. ट्रायल कैसा लेंगे, आपके वो गेसिंग पावर के ऊपर है. ऐसे तो हम लोग क्या गेस करें, गेस करके हम लोग को मिला हुआ है. तो उन्होंने क्या गेस किया, जिसने ये बनाया, जिसने पढ़ा, जिसने इस पर रिसर्च किया, वो देखते हैं हम लोग. तो हमारे पास जो अभी एक सॉल्यूशन आया है, एक्स वन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज ए ई टू द पावर माइनस बी टी, जहाँ पे a जो है वो इक्वल टू है ए वन प्लस ए टू के, ठीक है. ये एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट a पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा कांस्टेंट नहीं है. तो लेट अस इमेजिन कि हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन होगा x2 टू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बस इमेजिन कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं. ये जैसे यहाँ पे था a, हम लोग कैसे मानते हैं, a इंटू ई टू पावर अल्फा t मानते हैं ना. अब मान लीजिए हम t यहाँ पे भी लगा दिए, वी हैव अनदर कांस्टेंट b, कैपिटल b ले लूँ, तो b t अलग से ट्रायल ले रहे हैं बस, e टू द पावर माइनस बी टी, ठीक है. ऐसा हम लोगों ने एक ट्रायल लिया है बस. देन हमको करना क्या, x डॉट x डबल डॉट निकालना है और इस पर रखना है. अगर ये सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को, देन अगर वैल्यू जीरो आ गया, देन हम समझ सकते हैं कि ये भी सोल्यूशन है इसका. सबसे आसान तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का, यही कि सोल्यूशन मान लो उसका, तो इस पर रख के देख लो, हो गया तो ठीक. मानने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक टी लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन बदलने वाला है नहीं. तो x2 डॉट इज माइनस बी बी देन टी दिस टी एंड ई टू द पावर माइनस बी टी, ठीक है. ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे दो फंक्शन है ना, एक एक करके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सबसे पहले t को कर दिया हम लोगों ने, तो वन हो गया. b e टू द पावर माइनस बी टी प्लस विच विल बी माइनस बिकॉज ऑफ दिस माइनस बी दिस अगेन बी टी, वैसे ही और ई टू द पावर माइनस बी टी का ई टू द पावर माइनस बी टी, बी तो हम लोग पहले यहाँ पे ले ही आया. तो वी हैव ई टू द पावर माइनस बी टी और बी ई टू द पावर माइनस बी टी एज अ कॉमन, वी विल हैव वन माइनस बी टी भी आएगा ना, यस बी टी, ठीक है. यहाँ से बी और ई माइनस बी टी, हाँ तो बी टी आ गया. चलिए एक्स डबल एक्स टू डबल डॉट निकाल लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पहले इसको फिर इसको. तो यू विल हैव बी माइनस बी ई टू द पावर माइनस बी टी, इसको वैसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने, प्लस इसको वैसे ही छोड़ दिया अंदर, दिस इज ज़ीरो माइनस, और बी टी में वो ख़त्म हो गया, देन यू हैव माइनस बी ओनली. अब ये माइनस बी को यहाँ लगा दो, बी यहाँ लगा दो, इसको उठा के इसको माइनस कर दो, ठीक है. तो फिर यहाँ से बी बी ई टू द पावर माइनस बी टी कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये माइनस अंदर भेज दूँ, मैं तो कर रहा हूँ इसी में आप समझ लेना, इस माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, दिस इज़ माइनस दिस इज़ प्लस, ठीक है. माइनस को मैंने अंदर भेज दिया और इसको कॉमन ले लिया, देन व्हाट यू विल हैव, यू विल हैव बी बी ई टू द पावर माइनस बी टी एज कॉमन, देन ये चीज़ ऐसा ही हो जाएगा, यू हैव बी टी माइनस वन, और ये हट गया तो ये अगेन माइनस वन, ये आपका आ गया माइनस टू, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग. इससे देयर फोर एक्स टू डबल डॉट इज इक्वल टू बी बी ई टू द पावर माइनस बी टी माइनस टू,
बी बी ई टू पावर माइनस बी टी, हाँ बी टी माइनस टू, दिस इज एक्स टू डबल वन। इस दोनों वैल्यू को अब यहाँ रख के देखते हैं हम लोग, देन क्या आएगा इसमें, बी ई टू पावर माइनस बी टी, बी ई टू पावर माइनस बी टी एक्स टू में भी है, देखो यहाँ ध्यान से, अगर इसको यहाँ रखेंगे तो ये टर्म बी ई टू पावर माइनस बी टी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सब में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर यहाँ बचेगा क्या, x2 डबल डॉट का ये मैंने कॉमन कर लिया है, बी ई टू पावर माइनस बी टी, अंदर ये बचेगा क्या, अंदर बचेगा बस ये वाली टर्म, मैं पूरा लिख दूँ, चलो आपके लिए पूरा लिख देता हूँ। तो x2 डबल डॉट का वैल्यू ये हो गया, बी बी टू पावर माइनस बी टी, बी टी माइनस टू प्लस टू बी, और x डॉट यहाँ से आएगा, दिस इज बी ई टू पावर माइनस बी टी टू वन माइनस बी टी एंड प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड एक्स का वैल्यू आपका है क्या, बी टी ई टू द पावर माइनस बी टी, ये शुड कम एज जीरो, इसको इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, देन यू विल हैव बी ई टू द पावर माइनस बी टी एज कॉमन, ये हम लोगों ने कॉमन लेना है। तो और भी कुछ कॉमन आएगा इसमें, और कुछ तो हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर b भी कॉमन ले लें तो छोटा वाला यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा उसको, चलो देखते हैं इतना ही कॉमन लेके पहले, ये गया बचा क्या, छोटा b एंड ये बचा आपका छोटा b इंटू ये बी टी माइनस टू प्लस, यहाँ पे बचा आपका 2b टू 1 माइनस बी टी, और यहाँ पे बचा आपका प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अभी ओमेगा नॉट स्क्वायर तंग कर रहा है ना, व्हाट इज दिस ओमेगा नॉट स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, बी स्क्वायर से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, दिस इज बी ई टू द पावर माइनस बी टी, दिस इज बी स्क्वायर, देन बी भी कॉमन हो जाता ना, चलो कोई नहीं, दिस इज बी स्क्वायर टी माइनस, या बी कॉमन ही कर लो, बी आगे निकाल लो यहाँ पे, देन यहाँ से ये बी हट गया, यहाँ से ये बी हट गया, और यहाँ से एक ये बी हट गया, ठीक है, यहीं पे निकाल लिया मतलब हम लोगों ने, तो मैं यहाँ से हटाए हैं। देन आपके पास बचा क्या, दिस देन तो कहीं मल्टीप्लाई वाला कोई सीन ही नहीं है, देन दिस माइनस टू प्लस टू विल बी कैंसिल, दिस माइन प्लस बी टी एंड माइनस बी टी विल बी कैंसिल, यू हैव वन माइनस बी, ये बच गया, बचना तो नहीं चाहिए, लेट मी चेक, मतलब हमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोड़ा है, क्योंकि ये भी चीज़ कटेगा ही कटेगा। ओके 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 ओके, यहाँ देखो ध्यान से, काफ़ी ईजिली मिल गया, मुझे लगा था कहीं ज़्यादा टाइम ना लग जाए, क्योंकि फिर से देखना पड़ता है शुरू से, यहीं पर दिख गया। यहाँ पर हम लोगों ने इसको काट कैसे दिया, बस दिस इज मल्टीप्लीकेशन ना, और यहाँ पे ये बी टी ई टू द पावर माइनस बी टी, ओमेगा स्क्वायर टी बचेगा यहाँ पे, टी भी है ना यहाँ पे, टी हम लोगों ने कॉमन नहीं लिया यहाँ पे, सबसे पहली बात यहाँ पे टी भी आएगी और ये ऐसे कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज टू माइनस टू बी टी, दिस इज टू माइनस टू बी टी, तो टू माइनस टू बी टी, अब ये टू और ये टू कैंसिल हुआ, और ये प्लस बी टी टू बी टी, या फिर ये माइनस टू बी टी, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा अंदर का चीज़ हो गया कितना, जीरो, तो ये हो गया इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट फॉर एक्स टू वी हैव दिस एज अ सॉल्यूशन एंड फॉर एक्स वन वी हैव दिस एज अ सॉल्यूशन। इसका मतलब व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग, वी विल ऐड दिस टू, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। तो जब व्हेन यू विल ऐड दिस x as a function of time, it will be x1 t plus x2 as a function of time, and you will have a e to the power minus bt plus bt e to the power minus bt, ठीक है। तो therefore x as a function of time will look like a plus bt e to the power minus bt, so this is your solution for critical damping, and we have to analyze this also, तो इसको analyze करने के लिए हम लोग कुछ कुछ initial conditions मान लेंगे, ठीक है।
ठीक है, जब इसका इनिशियल कंडीशन कुछ कुछ मानोगे देन यू विल एनालाइज, यू विल बी एबल टू एनालाइज द ग्राफ। ठीक है, तो एट अवर अवर इनिशियल कंडीशन कि हमने कुछ ना कुछ वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे मानते हैं, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स डॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज इक्वल टू वी नॉट। तो आपको यहाँ से एक्स डॉट निकालना है, तो वट इज एक्स डॉट हियर, एक्स डॉट फिर भी पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ए जीरो हो जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा सिर्फ बी, ठीक है, टी वन हो जाएगा, यू विल हैव बी ई टू द पावर माइनस बी टी प्लस, इसको वैसे ही छोड़ दो, ए प्लस बी टी एंड ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस बी ई टू द पावर माइनस बी टी। ठीक है, अब ई टू द पावर माइनस बी टी विल बी टेकन एज कॉमन, यू विल हैव बी हियर माइनस बी इंटू ए प्लस बी टी, ठीक है, यू विल हैव दिस एज योर एक्स डॉट। सो फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट इज एक्स एट जीरो, तो एक्स एट जीरो निकालोगे देन टाइम इक्वल टू जीरो रखो यहाँ पे, दिस गोज टू वन एंड दिस गोज टू, इट मीन्स ए इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपको क्या मिला, ए इक्वल टू जीरो एट, इसको यहीं लिखते हैं, इसको अलग रहने दो, आप देखो एट टी इक्वल टू जीरो, दैट इज आवर इनिशियल कंडीशन फ्रॉम, इसको मान लीजिए वन, इसको मान लीजिए टू, तो फ्रॉम वन हमें क्या मिल जाएगा, ये जीरो हो गया एंड दिस टी गोज टू जीरो, ये जीरो बन गया और ये वन बन गया, वी हैव ए इक्वल टू जीरो। अब फ्रॉम टू, टू पे रखोगे देन दिस ए गोज टू जीरो, ये गोज टू वन एंड दिस गोज टू जीरो, इट मीन्स ये जीरो प्लस जीरो जीरो, बी एंड बी इज इक्वल टू वी नॉट। तो इसको और अच्छे तरीके से अगर स्टडी किया जाए देन व्हाट आई एम थिंकिंग कि हम लोग यहीं से पहले x और x डॉट के वैल्यू निकालते हैं, इस वैल्यू को पुट करके देन ये जो हमारा जो वैल्यू दिखेगा यहाँ पे वो कैसा दिखेगा, ये हमारा x डॉट का आया है इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे थोड़ा ख़राब लग रहा है देखने में लेकिन यू हैव टू बर्दाश्त थोड़ा मोड़ा। अब यहाँ पे रखो a का वैल्यू इसमें ज़ीरो रखो, b का वैल्यू v नॉट रखो, ठीक है, देन दिस x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम will look like v naught t e to the power minus bt and x dot as a function of time will be looking like, yahan pe b ka value v naught rakhna hai and a ka value 0 rakhna hai, so this goes off and what you will have, you will have e to the power minus bt, this b is v naught माइनस बी इंटू दिस इज जीरो एंड दिस इज वी नॉट टी, माइनस बी इंटू वी नॉट टी, टेक वी नॉट एज कॉमन देन यू विल हैव एक्स डॉट इज इक्वल टू वी नॉट इज द पावर माइनस बी टी, वे वन माइनस बी टी। अब इस ग्राफ को अगर स्टडी किया जाए देन दिस इज, इस समय क्या मिल गया, इस समय साफ साफ देख गया दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास क्या है, वन माइनस बी टी भी है, ठीक है, ये वन माइनस बी टी ये टाइम का फंक्शन बी टी है एंड बी टी विल क्रॉस फ्रॉम ओरिजिन, सो जो ग्राफ होगा वो पहले आपका ऐसे इंक्रीज करेगा लीनियरली एंड देन इट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, फिर यहाँ से टर्निंग पॉइंट जो होगा यहाँ से ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, सो दिस इज योर टर्निंग पॉइंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एक्स टी एंड दिस इज योर टाइम एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट, लेट इट कॉल टी प्राइम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टी प्राइम, तो टी प्राइम पे हुआ क्या है, द वेलोसिटी गोज टू जीरो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट जाते 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 यहाँ पर रुक गया है, फिर यहाँ पर आया है नीचे, ठीक है, इट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट गोज टू द मैक्सिमम पोजिशन एंड देन इट गोज टू जीरो। हम लोगों ने जब यहाँ से ढकेला, जब यहाँ से हम लोगों ने इसको ढकेला है
देन द डिस्प्लेसमेंट गोज टू द मैक्सिमम पोजिशन, और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है दिस पॉइंट पे, फिर यहाँ से ये क्या वापस आया, वापस आया तो फिर क्रॉस भी नहीं किया है, यहीं आकर रुक गया है, ठीक है, ये आया तो क्रॉस नहीं किया, यहीं आकर रुक गया, और यहाँ पे आके रुक गया, इसका मतलब कि ऑसिलेशन नहीं होने वाला है। देन व्हाट इज दिस टर्निंग पॉइंट, वेलोसिटी जीरो, आप इसको इसको जीरो करना पड़ेगा। अब इसको जीरो करोगे देन व्हाट यू विल हैव, आपको कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, जो टी नॉट है और यहाँ पे एक्स डॉट है, उसको एक वैल्यू मिलती है, ठीक है। कुछ देर के लिए आप सोचो अभी अपने कॉपी को देखते या फिर इस वीडियो को देखते हुए कि व्हाट शुड बी द वैल्यू, ठीक है, आप सोचो उसको कुछ देर के लिए। वैसे मैं तो ये बता ही रहा हूँ, लेकिन आप कुछ खुद से सोचो इसको, टेक योर टाइम सम टाइम इसको सोचिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट बिकम्स जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है इट मीन्स ये एक्स डॉट जीरो है ना। अब एक्स डॉट जीरो होने के लिए ये वैल्यू जीरो होना पड़ेगा, ये वैल्यू जीरो होने के लिए ये वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, जैसे वी नॉट तो जीरो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज सम इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, वी आर गिविंग सम इंपल्स, इसलिए ये जीरो नहीं हो सकता, ये तो जीरो होगा ही नहीं कभी भी। इट मीन्स वन माइनस बी टी इज जीरो, तो फॉर एक्स डॉट इक्वल टू जीरो वन माइनस बी टी इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स बी टी इज इक्वल टू वन, इट मीन्स टी इज इक्वल टू वन बाई बी, इट मीन्स ये जो टी प्राइम है दिस इज वन बाई बी, ठीक है, वन बाई बी टाइम के बाद ये जीरो पे आया है। अगेन अब इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये वाला वैल्यू, इसके टी का वैल्यू हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाला पे रख देंगे। व्हाट यू विल हैव एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू वी नॉट टी ई टू द पावर माइनस बी, एंड टाइम का वैल्यू रख दो क्या, टाइम का वैल्यू है वन बाई बी, इट गोज ऑफ इट इज ई टू द पावर माइनस वन, इट मीन्स इट इज वी नॉट, या भी टी का वैल्यू वन बाई बी रखोगे, ठीक है, इट इज वी नॉट बाई बी ई टू पावर माइनस वन इज ई, इट इज वी टू पावर माइनस बी ई, ठीक है, इट इज दिस टाइम इज वी नॉट बाई बी ई, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज वी नॉट बाई बी ई टू द पावर माइनस वन, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमेशा आप ई टू द पावर कहीं समथिंग में लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं कि वी नॉट बाई बी ई टू द पावर माइनस वन, सेम है, वी नीचे ही आने वाला है। सो यहाँ पे हम लोगों ने एनालाइज किया व्हाट इज क्रिटिकल डैम्पिंग, कुछ कुछ केसेस हम लोगों ने देखे, इसको आप फिर से एक बार देख लो इस वीडियो को अगर डाउट हो रही है तो, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है भी आपके पास, आप तो पूछ नहीं सकते, यू शुड वॉच दिस वीडियो अगेन, ग्राफ को हम लोगों ने स्टडी किया ही किया, फिर आपको क्या करना है इसके बाद, अगर फिर भी दिक्कतें हो रही है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और पोस्ट ऑन आवर फेसबुक पेज, अपना जो कुछ लिखा हुआ आपको पोस्ट करना है, कुछ दिखाना है देन आप वहाँ पर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द क्रिटिकल डैम्पिंग, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी, वी विल एनालाइज द वीक डैम्पिंग, कि वीक डैम्पिंग कैसा होता है, उसके बाद कुछ टर्म्स हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, क्वालिटी फैक्टर, रिलैक्सेशन टाइम, ये सब कुछ टर्म्स हैं, फिर हम लोग उसको धीरे धीरे एक एक वीडियो में सीख लेंगे, फिर ये फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट विल हेल्प इन रिसीविंग आवर नोटिफिकेशंस डायरेक्टली। So that's all for this. Let's meet in next. Thank you.